दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। पिछले करीब 1.5 साल से बिजली बोर्ड द्वारा दृष्टि बाधित के पदों का परिणाम घोषित न करने पर दृष्टि बाधित संघ मुखर हो गया है। शुक्रवार को प्रदेश भर के दृष्टि बाधितों ने शिमला में फेनवेयर मुख्यालय का घेराव के साथ मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर बिजली बोर्ड में जल्द परिणाम निकालने की मांग की। संघ ने आरोप लगाया है कि 1.5 वर्ष से बिजली बोर्ड में दृष्टि बाधितों के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विभाग परिणाम नहीं निकाल रहा है और यदि जल्द परिणाम नहीं निकाला जाता है तो उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। प्रदेश दृष्टिहीन जन संगठन के महासचिव लक्की चौहान ने कहा कि बिजली विभाग में सरकार ने दृष्टिहीन के लिए बिजली बोर्ड में 2019 में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 2020 में सभी आवेदन हुए लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकाला गया। कई बार बिजली बोर्ड के निदेशक से मिले और परिणाम निकालने की गुहार लगाई गई, लेकिन परिणाम नहीं निकाला गया है, जिससे मजबूर होकर आज वेलफेयर विभाग के बाहर धरना देना पड़ा। करते हैं, चाहे डीडब्ल्यू हो जो भी हो, तो एक दो बार तो ये बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। हमारी समस्या सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये हमारे नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो ऐसे नकारात्मक अधिकारी हैं, ऐसे लोगों का इनका रवैया है, मुझे तो समझ नहीं आता कि नोडल डिपार्टमेंट कहे या सबसे पिछड़ा हुआ हमारे डिपार्टमेंट कहे। और इसके बावजूद आप सभी को पता है कि हमारे जो लोग हैं, तो इसलिए जब तक हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि जब तक इन्होंने आज रिजल्ट की बात नहीं कबूली या रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिए, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे हम इतने ही हैं, पर हम यहाँ फिर इतने भी बैठे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर ये अपना इतना ही ये रवैया ऐसे ही रखेंगे तो हम कल परसों से अपने और लोगों को बुलाएंगे यहाँ, क्योंकि ये लोग तो वो है जिन लोगों ने वहाँ पर अपनी अप्लाई किया हुआ है, जो लोग 1 साल से रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तो ये सारा जो हम लोगों का शोषण हो रहा है, ये इसका जिम्मेदार पूरा वेलफेयर डिपार्टमेंट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।